हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच में मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर बंगाल वॉरियर्स और साथ ही में तेलुगु टाइटंस के बीच में मैच होगा तो किसका जीतने का ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो में हम बैटल करने वाले हैं इन दोनों टीमों के बीच में, तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और मैंने इससे पहले दो टीमों के ऊपर वीडियो बनाकर रखा है, अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो को दे दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है बेंगलुरु बुल्स और साथ ही में यूपी योद्धा के बीच में कौन सी टीम जीतेगी अगर इन दोनों के बीच में मैच होगा, अगर आपको जानना है तो आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही में और एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है यूपी योद्धा और अगर पटना पायरेट्स के बीच में मैच होगा तो कौन सी टीम की जीतने की ज़्यादा चांस है। अगर आपको जानना है कि कौन सी टीम जीतेगी तो आप लोग वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं अगर बंगाल और तेलुगु में मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। तो आइए चलिए सबसे पहले हम इन दोनों टीमों का रेटिंग देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल का रेटिंग। तो बंगाल का रेटिंग इस सीजन में बहुत खतरनाक देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें सेंटर पोजीशन पे खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि मेन रेडर के रूप में मनिंदर सिंह, और शायद यही इस सीजन में इस टीम के कैप्टन भी होने। और मनिंदर सिंह का हमें साथ देते हुए दिखाई देंगे श्रीकांत देवरडिगा और साथ ही में नबी बख्श, ये दोनों प्लेयर साथ देते हुए हमें दिखाई देंगे मनिंदर सिंह का। तो और चलिए अब नजर डाल लेते हैं यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के रेडर पे। तो तेलुगु टाइटंस के भी रेडिंग में बहुत ही कमाल कमाल के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर हमें देख तो फर्स्ट रेडर पे नज़र डालते हैं, तो इस टीम के फर्स्ट रेडर रहने वाले हैं सिद्धार्थ देसाई। वैसे रोहित कुमार भी बहुत ही शानदार रेडर है, लेकिन अभी इनका कुछ दो तीन सीजन से परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जाते जा रहा है। अगर ये भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तेलुगु टाइटंस की तरफ से तो ये दोनों मेन रेडर के रूप में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और इन दोनों का साथ देते हुए और एक रेडर रहेंगे जिनका नाम है राकेश, तो ये रहेंगे थर्ड रेडर के रूप में। और साथ ही में अभी इनके बेंच पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो वो भी प्लेयर इनके साथ में देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये दोनों रेडर मेन रेडर के रूप में रहेंगे रोहित कुमार और सिद्धार्थ देसाई। और लेकिन यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स की रेडिंग को देखें तो बंगाल वॉरियर्स का रेडिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इनके एक्स्ट्रा रेडर पर भी अगर आप नज़र डालते हैं तो एक्स्ट्रा रेडिंग में भी बहुत ही कमाल कमाल के प्लेयर है बंगाल वॉरियर्स के पास। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको और कुछ धाकर धाकर रेडर का आपको फोटो दिखा रहा हूं। बंगाल में बहुत ही एक्स्ट्रा प्लेयर भी बहुत ही कमाल कमाल के हैं। तो अगर हेड टू हेड रेडर की बात करें तो यहां पर बाजी मार लेती है बंगाल वॉरियर्स की टीम। और चलिए अब नज़र डाल लेते हैं दोनों टीमों के डिफेंस में, आखिर डिफेंस में कैसे है। तो चलिए ये सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों के कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे आइए पहले बंगाल का देख लेते हैं। बंगाल के यहाँ पर बंगाल के हम लोग कॉर्नर पर नज़र डालें तो बंगाल के कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे बहुत ही कमाल के प्लेयर ईरान के अबुजार मेगानी, लेकिन इनका लगातार एक दो सीजन थोड़ा खराब ही गया है। लेकिन आशा करते हैं कि ये सीजन में ये बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और साथ ही में इनका और एक लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे रिंकू नरवाल, ये भी बहुत ही कमाल के डिफेंडर है। तो चलिए हम नज़र डाल लेते हैं तेलुगु टाइटंस के डिफेंस पे कॉर्नर पर। तो तेलुगु टाइटंस के कॉर्नर पर हमें दिखाई देंगे दो तीन सीजन से, मतलब ये चार पाँच सीजन से ये नहीं खेले हैं, कोई कारण के वजह से ये प्रो कबड्डी में बैन हो गए थे। वो भी तेलुगु टाइटंस के साथ भी उस भी सीजन में थे, और इस भी सीजन में ये आ चुके हैं तेलुगु टाइटंस की तरफ से बहुत ही कमाल के प्लेयर संदीप खंडोला। जी हाँ दोस्तों, संदीप खंडोला ये बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, इन्होंने नेशनल में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और साथ ही में ये लेफ्ट कॉर्नर पर रहेंगे। और यहीं पर राइट कॉर्नर की बात करें तो राइट कॉर्नर पर रहेंगे राकेश, तो ये रहेंगे राइट कॉर्नर पर। तो इन दोनों का जोड़ी अगर चल गया तो ये टीम पक्का ही चैंपियन बन सकती है। तो चलिए अब नज़र डाल लेते हैं दोनों टीमों का कवर पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बंगाल का कवर। तो बंगाल का कवर यहाँ पर संभालेंगे प्रवीण और साथ ही में दर्शन, ये दोनों रहेंगे बंगाल के कवर। और यहीं पे बात करें तेलुगु टाइटंस के कवर की, तो तेलुगु टाइटंस के कवर पे हमें दिखाई देंगे सुरेंद्र सिंह और साथ ही में मनीष सिंह, ये रहने वाले हैं दोनों कवर पर तेलुगु टाइटंस की तरफ से। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें इनके डिफेंस में किसका डिफेंस देखने में अच्छा लग रहा है, तो डिफेंस में हल्का मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर तेलुगु टाइटंस का टीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग इनके स्कोर वगैरह को मैच करें डिफेंस में सभी टोटल, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा निकल कर आता है यहाँ पर इन लोगों का, थोड़ा पल्ला बाहरी निकल कर आता है तेलुगु टाइटंस का। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, अगर इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो किसका जीतने का ज़्यादा संभावना है, तो मेरा राय है ये, और ये मैंने सभी का स्कोर देखकर और साथ ही में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आखिर कौन चैंपियन बनेगा। तो ज़्यादा चांस है इन दोनों में अगर मैच होता है तो बंगाल वॉरियर्स का जीतने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि इनका बेंच पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। तो यहाँ पर ये अगर स्टार्टिंग सेम में भी इनका कोई प्लेयर का इंजरी हो जाता है
उसके बावजूद भी इनके पास अभी बेंच पर बहुत ज़्यादा प्लेयर रहेंगे बंगाल के पास, लेकिन तेलुगु टाइटंस के पास उतने प्लेयर नहीं है बंगाल के जैसे। तो इसीलिए अगर इन दोनों के बीच में बैटल होता है तो ज़्यादा चांस रहेगा बंगाल वॉरियर्स का जीतने का। और अपना राय मुझे कमेंट में बताइए, अगर इन दोनों के बीच में मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते